नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम आए बिजनौर में सुनैना चौधरी जी के फार्म पर, जो काफी समय से वर्मी कंपोस्ट का अपना बिजनेस कर रही है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैम, पहले तो अपना नाम और अपनी जगह का पता बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी गुलदीप जी, मेरा नाम सुनैना चौधरी है और मेरी यूनिट जो है वो ग्राम भवनपुरा जिला बिजनौर में है, जो मेन बिजनौर हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर चांदपुर रोड पे पड़ती है जी। मैं अभी बीएससी की स्टूडेंट हूँ मेरठ कॉलेज से। जी मैम। और तो मैम, वर्मी कंपोस्ट का आपको आइडिया कैसे, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, क्योंकि बीएससी डिग्री एक अच्छी डिग्री है, तो इसके बाद आपने वर्मी कंपोस्ट का चयन मैम किया? गुलदीप सिंह जी, ऐसा नहीं है कि अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो आप इनमें ही लगोगे। अगर आप उधर की पढ़ाई इधर इस्तेमाल करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, और आपको इन्फॉर्मेशन होती है हर चीज की। जी मैम जी। आपको पता होता है कौन सी चीज कैसे है क्या है। जैसे साइंस थी मेरे पास 12th में, ये सब चीज मैंने पढ़ी है, सब चीज देखी है, तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि हमारे पास जैसे डेयरी फार्म है, उसका बाय प्रोडक्ट है हमारे पास, गोबर बाय प्रोडक्ट है उसका, तो अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो मुझे ऐसे बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि भाई, जब मेरा हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा गौशाला है, हर चीज है, तो क्यों ना उस चीज का और इस्तेमाल किया जाए जितना कर सके आप। जी मैम जी। तो बस वहीं से आइडिया आया, फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा, बाकी और चीजों पे देखा, ढूंढी चीजें, समझी, एक दो लोगों से इंटरेक्ट किया जो इस काम में थे, बस वहीं से आइडिया वहीं से आया जी। तो लगभग आपको कितना समय हो गया मैम वर्मी कंपोस्ट को करते हुए? मुझे इस काम को करते हुए आइडिया तो ये 2.5-3 साल हो गए, 2.5 साल हो चुके हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने आके अपने फादर को बताया, तो उन्होंने बोला, मतलब वो हर चीज वही है ना, फादर वाला एक प्रोटेक्टिवनेस होती है कि पहले मैं करके देखता हूँ। तो आइडिया मेरा था, साथ में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन सारे एफर्ट्स हर काम उनका था, उन्होंने साथ में काम किया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेलियर आया जी, वो हर काम में आता है जब नया स्टेप इन करते हो किसी भी चीज में, लेकिन उसके बाद फिर जब हम आए अगली बार में, दोबारा से हिम्मत नहीं हार के दोबारा आए, दोबारा हौसले के साथ आए, तो बस अब यही है आपके सामने। तो आपका जो बेड में देख रहा हूँ, काफी बेड लगाए हुए हैं, और इसके साथ साथ मैम आपने पॉपुलर भी लगाया हुआ है जी। तो मैम, आपके जो बेड की आपने लेंथ क्या ली है मैम? हमारे बेड की लेंथ 80x4 फीट है। आपने जो इसकी लेंथ ली है, यानी कि 80 फुट इसकी लंबाई है और 4 फुट इसकी चौड़ाई है जी। लगभग 1 फुट पे आप कितना केंचुआ इसमें इस्तेमाल करते हैं? हम 1 फुट में 1 kg केंचुआ इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे 4x80 फुट है, तो आप 80 फुट इसमें केंचुआ लगता है जी? जी 80 किलो जी। और हाँ, तो मैम, एक साल में आप कितनी बार इससे खाद ले तो एक बार से? एक साल में एक बार, मतलब एक साल में हम 6 बार खाद ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 5 बार तो मिनिमम है ही है जी, 5 बार मिनिमम है। तो आपका वर्मी कंपोस्ट मैं देख रहा हूँ, किसान भाई को दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। तो मैम, जीरो बजट पे आपने ये इस्तेमाल किया और इसका फायदा उठाया डेयरी का, जो आपके जो डेयरी है, इतनी बड़ी डेयरी भी है आपके पास जी। तो मैम, आप वर्मी कंपोस्ट में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं? जैसे हमारे कोई नए किसान है, जैसे आपने बताया मैं शुरू में फेल हो गए थे, तो इस समय आपको क्या दिक्कत हुई जो आपने वे जो नया कोई किसान है इसे ना करें? मैम देखिए, वर्मी कंपोस्ट में आप अर्थवॉर्म यूज कर रहे हैं जी। अर्थवॉर्म का काम कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्रोड्यूस करना है और मल्टीप्लाई करना है जी। आपको उनका खाना सरप्लस में होना चाहिए, अंत की में उनके पास खाना होना चाहिए कि जो वो आराम से कंज्यूम कर पाए, उन्हें कोई दिक्कतें ना आए, और उन्हें मॉइस्चर टाइम टू टाइम देना चाहिए जी। वर्मी कल्चर में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि थोड़ा सा ये अंधेरे में काम करता है ज्यादा, तो आपको थोड़ा सा, मतलब लाइट में ये काम नहीं करता, तो आपको उसे मेंटेन करके रखना होता है जी। मैम, सर्दी की बात की जाए और गर्मी की, और जैसे तीन मौसम है, जैसे हम तीन मौसम है, तो गर्मी में आप इसमें कितने बार पानी इसमें डालो, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो हमें 3 बार भी पानी देना पड़ता है दिन में, पर डे जी, पर डे। और जब रेनी सीजन होता है, बरसात होती है, तो वहाँ कोई ऐसी जरूरत नहीं होती, अच्छी बारिश है तो आप छोड़ सकते हो, मतलब एक एक हफ्ता भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्दियों में 3 से 4 दिन में आपको एक बार ही देना पड़ता है, एक बार ही देना पड़ता है। देखिए, जब हम खाद का चयन करते हैं, वैसे तो हमारा अपना खाद है, हमारे पास अपनी गाय है, तो हम लोगों का बिल्कुल, मतलब प्योरिटी है हमारे पास जी। हमें मार्केट में ढूंढना नहीं है, हमें टेस्टिंग नहीं करनी, हमारे पास अपना, हमारे पास है सब कुछ जी। लेकिन अगर कोई मार्केट से लेता है, तो बस यही ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर ज्यादा पानी, वो मिट्टी ना हो खाद के अंदर। आपके गाय का गोबर सबसे अच्छा माना जाता है, गाय का गोबर से ही मैम आप जी, हमारा पूरा काम गाय के गोबर से ही होता है जी। मैम, जैसे आपने इतनी अच्छी क्वालिटी का खाद उत्पन्न करते हो, तो इसका क्या प्राइस रखा है, आपने थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा।
जी प्राइस बहुत कम है, 4.5-4.5, मतलब डिपेंड करता है कि आप सरप्लस में ले रहे हैं, आप छना हुआ ले रहे हैं, बिना छना हुआ ले रहे हैं, उसके ऊपर। लेकिन 4 और 5 के बीच में हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके बाद वर्म की बात आ जाती है, कैचवे की बात आ जाती है, कैचवे का क्या रेट रखा है आपने? कैचवे का रेट बहुत कम है आपको, मतलब यहाँ आसपास तो छोड़िए, आपको दूर दूर में इतना कम रेट कहीं नहीं मिलेगा। हमने 75 रुपीज रखा है पर केजी। जी, और एक खास बात मुझे, आप जैसे आपका फॉर्म है तो मैम, आप पैकिंग नहीं, अपनी पैकिंग आपने बना नहीं रखी जी, क्योंकि आपका खाद भी नहीं यहाँ पर। जी देख लीजिए आप, आपके किस जगह खाद भी नहीं है। तो मैम ऐसा क्या, आपने खाद आते के साथ ही बिक जाता है क्या, ऐसा क्या है मैम, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गुलदीप सिंह जी, बात ऐसी है कि जब आपका, मतलब जो लोग बहुत पुराने होते हैं इन कामों में, जिन लोगों को जरूरत पड़ती है, बागवानी वाले लोग होते हैं, सब्जी मार्केट वाले होते हैं, और ये सब जो लोग जो होते हैं, इन लोगों को पहचान होती है खाद। जी जी। तो हम लोगों के पास बुकिंग पहले से चल रही होती है, हमारे पास, मतलब हमारे पास बनता है और बनने से पहले ही ऑर्डर आ जाता है। जी जी। तो हमें पैकिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और पैकिंग से कॉस्ट भी बढ़ती है जब हमारा ऐसे ही काम अच्छा चल रहा है। थैंक यू मैम, आपने जो हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी।